कुछ जीवनी इतनी खास होती हैं जो समय की सरकती रेत पर नहीं मजबूत और अडिग चट्टानों पर लिखी जाती हैं। अज्ञात सन्यासी से जगत गुरु विवेकानंद तक का सफर जिस शिला से शुरू हुआ, चारों ओर सागर की लहरों से घिरी जिस चट्टान पर माता कन्याकुमारी की तरह साधना के पश्चात उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं उसकी प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन मिला, अतः उनकी जन्म शताब्दी में विवेकानंद शिला स्मारक समिति ने वह स्मारक बनाने का संकल्प एकनाथ जी के नेतृत्व में किया। ध्येय पक्का होने के बाद एकनाथ जी के सामने तो कठिनाइयों और कसौटियों का समुद्र लहरा रहा था। अनेक अवरोध, विरोध, संशय और संघर्ष से जूझना था। अंततः उस समय दिल्ली में उपस्थित 323 सांसदों की अनुमति हस्ताक्षर के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मारक के विषय में अनुकूल किया और असंभव को संभव कर दिखाया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद उनके सामने कसौटी थी समुद्र स्थित उस चट्टान पर भव्य स्मारक खड़ा करने की और साथ ही निर्माण के लिए आवश्यक विशाल धनराशि जमा करने की, जिसका आह्वान किया श्री एकनाथ जी ने। स्वामी विवेकानंद के संदेश और शिला स्मारक के प्रस्तावित चित्र से सज्जित एक रुपए के सुंदर फोल्डर के माध्यम से पूरे भारत को इस दिव्य कार्य में जोड़कर 30 लाख से अधिक भारतीयों के दान से 85 लाख रुपए की धनराशि जमा हुई और निर्माण कार्य को वेग मिला। समुद्र की लहरों की सलामी लेता स्वामी विवेकानंद स्मारक इसीलिए पूरे देश की शान और अभिमान है। इस निर्माण में एक विशाल जन समुदाय का स्वप्न साकार हुआ और ये 2 सितंबर 1970 को अपने संपूर्ण स्वरूप में देश और विश्व के समक्ष प्रस्तुत हुआ। विवेकानंद शिला स्मारक भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का संगम स्थान बन गया है। किंतु केवल ईंट या पत्थरों से स्वामी विवेकानंद की स्मृति को जीवित रखना, यहां तक विवेकानंद शिला स्मारक सीमित होने वाला नहीं था। तो एक भारत विजयी भारत यानी आध्यात्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त भारत के स्वामी जी के स्वप्न को भी चरितार्थ करना महत्वपूर्ण था और इसीलिए 1972 में एकनाथ जी द्वारा स्थापित विवेकानंद केंद्र एक ऐसा आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है जो जन सेवा के कार्यों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को जन मानस में जीवित रखने के लिए सेवारत है। भारत फिर से उठेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उठेगा और विश्व का कल्याण करेगा। धर्म इस राष्ट्र का प्राण है। धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं है, ये तो त्याग और सेवा से समाज के लिए कार्यरत होने में है। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे दर्शन और तत्व ज्ञान की फलश्रुति है विवेकानंद शिला स्मारक एवं विवेकानंद केंद्र। एक भारत विजयी भारत। नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यही वह पुरातन भूमि है जहां ज्ञान ने अन्य देशों में जाने के पूर्व अपनी आवास भूमि बनाई थी। यही वह भारतवर्ष है जिसके आध्यात्मिक प्रवाह के भौतिक प्रतीक ये समुद्राकार नद है और चिरांतन हिमालय एक तह पर दूसरी तह चढ़ाकर अपने हिममंडित शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग के रहस्यों में ही झांक रहा। यही वह भारतवर्ष है जिसकी धरा को महंतम ऋषियों की चरण रज पवित्र कर चुकी है। सर्वप्रथम मानव, प्रकृति एवं अंतर जगत के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर यही उठे थे। आत्मा की अमरता
एक परमपिता की सत्ता प्रकृति और मानव के भीतर ओतप्रोत एक परमात्मा के सिद्धांत भी सर्वप्रथम यही उठे और यही धर्म तथा दर्शन के उच्चतम सिद्धांतों ने चरम शिखर स्पर्श किए। इसी भूमि से अध्यात्म एवं दर्शन की लहर बार बार उमड़ी और समस्त संसार पर छा गई। इसी विचार के साथ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी गुजरात प्रांत कर्णावती विभाग द्वारा आयोजित विमर्श श्रृंखला के द्वितीय भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले कुछ सूचनाएं हैं। कार्यक्रम के दौरान वक्ता श्री के उद्बोधन में से कोई प्रश्न है तो आप YouTube कमेंट बॉक्स एवं Facebook पेज के कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न, नाम एवं स्थान लिख सकते हैं। कार्यक्रम के बाद फीडबैक फॉर्म अवश्य भरे। हमारी संस्कृति में शुभ कार्यों की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो आइए विमर्श 2020 का प्रारंभ हम ओंकार प्रार्थना द्वारा करें। ओंकार प्रार्थना लेने हेतु मैं केंद्र कार्यकर्ता बिनल दीदी से आग्रह करता हूं। तत्पश्चात कार्यक्रम को सुरमय बनाने हेतु गीत का आग्रह सिद्धि दीदी से करता हूं। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्ण विजय संकल्प हमारा अनथक अविरत साधना निशदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। पुण्य पुरातन देश हमारा मानवता आदर्श रहा संस्कृति का पावन मंगल रव कोटि कंठ से नित्य बहा। सकल विश्व का मंगल करने सकल विश्व का मंगल करने सर्व स्वार्पण प्रेरणा। निशदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। संबल लेकर हिंदू चेतना समरसता का मंत्र महान अतीत की गौरव गाथा का पथ दर्शक प्रेरक आह्वान। भविष्य का पथ उज्ज्वल करने भविष्य का पथ उज्ज्वल करने शक्ति संचयन साधना। निशदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे वंदे जग जननी वंदे। मातृभूमि आराध्य हमारी राष्ट्रभक्ति है प्रेरणा।
ईश्वरीय है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। देशभक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर, देशभक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर चरैवेति की कामना। निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जग जननी वंदे, वंदे जग जननी वंदे। निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। तो आई इसी सामूहिक साधना और संकल्प के साथ आज के विषय को एवं वक्ता को जाने। हमारा आज का विषय समर्थ भारत, विजन और स्वामी विवेकानंद का दूसरा भाग, समाज व्यवस्था, संगठित समाज पर मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हमारे समक्ष विख्यात समाज सेवक एवं राजनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह राणा जी उपस्थित है। राजेंद्र सिंह राणा जी सन 1996 से 2014 तक भावनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा सांसद के पद पर कुल 5 बार चुने गए। आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात राज्य के राज्य अध्यक्ष के रूप में चुने गए एवं इस पद पर आपने 7 वर्ष 1998 से 2005 तक कार्यभार संभाला। आप नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर एवं मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कोची के मेंबर रहते हुए भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। भावनगर यूनिवर्सिटी में कॉमर्स फैकल्टी के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आप विजिटिंग फेलो रहे, अतः आपकी सेवाओं का लाभ भावनगर यूनिवर्सिटी को भी मिल चुका है। आदरणीय राजेंद्र सिंह राणा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वह आज के हमारे विषय पे हमें मार्गदर्शित करें। आदरणीय राजेंद्र सिंह राणा जी, विमर्श के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु भगिनी, विवेकानंद केंद्र के माध्यम से विमर्श कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग विषयों पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है और श्रोताओं को प्रश्नों का समाधान भी मिल सकता है। मुझे आज विषय जो दिया गया है वो समाज व्यवस्था और संगठित समाज। समाज व्यवस्था जो है उसकी जो सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है और परिवार की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। इस क्रम में देखा जाए तो व्यक्ति, परिवार, समाज, ये तीन बड़ी बड़ी इकाइयां सामान्यतः हमको देखने को मिलती है। व्यक्ति आधारित परिवार रहता है, परिवार आधारित समाज रहता है, समाज आधारित राष्ट्र रहता है, राष्ट्र आधारित पूरी दुनिया रहती है, अलग अलग राष्ट्र रहते हैं और पूरी मानव जात जो है वो आधारित रहती है। सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप स्थल, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है और रहेगा, क्योंकि तटीय विस्तार में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था तटीय व्यवस्था के हिसाब से स्थल और परिस्थिति वहाँ की जो है उसके मुताबिक वो अपनी समाज व्यवस्था बिठाएंगे।
जंगल में रहने वाले जो है उनको ये तटीय व्यवस्था में से जो है वो वहाँ लागू नहीं कर सकते। तो जंगल में जो रहते हैं तो जंगल में रहने वाले अपनी जंगल की जो परिस्थिति है, वन की जो परिस्थिति है, उसको देखते हुए, उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सामाजिक व्यवस्था वहाँ बनाते हैं। ये उदाहरणों से हमको पता चलता है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ समाज व्यवस्था मानवीय रहता है वहाँ वहाँ समाज व्यवस्था अस्तित्व में आई है, क्योंकि परिवार व्यवस्था अस्तित्व में आया, सबसे छोटी इकाई परिवार है। तो कुल मिला के जो भी समाज व्यवस्था मानवीय को केंद्र में रखते हुए बनी है उसको लेके अलग अलग नियम, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जीवन मूल्य, ये सब वहाँ की देश काल और परिस्थिति के अनुसार वहाँ रहता है। और ये विविधता जो है उसमें भी विशेषता है। अलग अलग जो समाज रचनाएं व्यवस्थाएं रहती है उसमें अपनी एक परंपरा रहती है, अपना एक इतिहास रहता है, पूर्व में जो घटनाएं बनी है उस घटनाओं को लेके समाज अपनी मानसिकता को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, मानसिकता वहाँ से गठित होती है, माइंडसेट जिसको बोलते हैं, वो इतिहास के आधार पर गठित होने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। निरंतर हर एक घटना का प्रभाव, वो चाहे किसी भी घटना बनती है तो उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर रहती है। लेकिन ये परंपराएं जो है वो हर एक समाज की अपनी अपनी अनुभव के आधार पर वो अपनी परंपरा वो निर्मित करता है। जीवन मूल्य भी अपने अपने समाज के अलग अलग रहते हैं। जीवन मूल्य माने जीवन जीने के नियम, नीति नियम, सामान्यतः उस क्षेत्र में, उस समाज में जो एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार्य है, सर्वसम्मति से स्वीकार्य है, ऐसे जीवन मूल्य जो है वो अपने स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार वो जीवन मूल्य भी बनाते हैं। और जीवन मूल्यों का महत्व व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए और समाज की व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ये जीवन मूल्य के आधार पर ही व्यक्ति टिकता है, इस जीवन मूल्यों के आधार पर ही परिवार टिकता है, इस जीवन मूल्यों के आधार पर समाज व्यवस्था भी टिकती है। इसका पालन और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को वो पास आउट करती है। जीवन जीने की पद्धति जीवन मूल्यों के आधार पर, परंपरा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इतिहास के आधार पर, ये जो जीवन पद्धतियाँ जो है, अलग अलग जीवन पद्धतियाँ हमको देखने को मिलती है। पहरवेश अलग अलग रहते हैं, खान पान अलग अलग रहते हैं, पूजा पद्धतियाँ अलग अलग रहती हैं, प्रकृति के प्रति देखने का दृष्टिकोण जो है वो अलग रहता है। ये सब जो बातें हैं वो जीवन पद्धति एक विकसित होती है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पद्धति जो अपनी समाज व्यवस्था में बिठाते हैं, तो एक समाज में से यदि हमको दूसरे समाज में जाने की ज़रूरत पड़ जाए और हम संजोगोवशात या प्रसंगोपात हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ की पद्धति, जीवन पद्धति से हमको पहले वाकिफ होना पड़ता है और वहाँ की जीवन पद्धति के अनुरूप अपनी जीवन पद्धति को बिठाने का प्रयास। इसलिए तो हम परदेश कहते हैं उसको। अपना जो देश नहीं है वो परदेश है, वो दूसरा समाज है, दूसरा देश है, दूसरी संस्कृति है, दूसरे जीवन मूल्यों में, दूसरी सामाजिक व्यवस्था का जिन्होंने गठन किया है, ऐसे लोगों से हमको जहाँ संपर्क में आना होता है तो हम उसको परदेश कहते हैं। परदेश में जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, अलग नए समाज में जाते हैं, नए परिवेश में जाते हैं, तो वहाँ के परिवेश में हमको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम जिस स्थल काल और परिस्थिति में समाज व्यवस्था जो बनी हुई है उसमें से वहाँ जाते हैं। तो जीवन पद्धति जो है
उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है और जीवन पद्धतियाँ भी अपने अपने समाज की विशेष पद्धतियाँ रहती हैं। जो पद्धति उसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है कि जो जो जीवन पद्धति एक समाज में एक्सेप्टेबल है दूसरे समाज में नहीं भी हो सकती है। यदि हम दूसरे समाज में जाएंगे वहाँ के स्थल काल और परिस्थिति के अनुसार वो वहाँ की व्यवस्था जो है वहाँ की जीवन पद्धति है। जैसे एक पत्नी व्रत जो है वो है, तो कुछ समाज ऐसे हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ एक बड़ा भाई है वो शादी करता है, विवाह करता है, बाकी नहीं करते हैं। तो स्त्री जो आती है बड़े भाई के साथ वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, पूरे परिवार को संभालती है। ये परंपरा है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है तो हमको थोड़ा विचित्र लगता है कि भाई ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी परिस्थिति है। तो इस प्रकार की अपने देश में ही मिल जाएगी आपको। अपने देश में यदि आप पूरे देश में घूमने को आपको अवसर मिलता है तो अलग हर एक प्रांत की और हर एक जिले की अपनी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन मूल्य और सामाजिक जीवन पद्धतियाँ विकसित हुई है। अपने रीति रिवाज है अपने समाज में, जो हर एक जिले के अपने अपने रीति रिवाज है, तो वो रीति रिवाज को फॉलो करते हुए उसको उसका पालन करते हुए हम समाज व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो ये जो मोटी मोटी बात जो है समाज व्यवस्था की बेसिक जो संकल्पना है, सबसे छोटी इकाई परिवार है, परिवार में सबसे छोटी इकाई ये व्यक्ति है, माने व्यक्ति समाज, व्यक्ति परिवार और समाज, ये तीनों की व्यवस्था सुचारू ढंग से यदि तालमेल बिठा के एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलती है तो समाज व्यवस्था नित्य निरंतर चलती रहती है। और आदमी जो मानवी जो है, इंसान जो है अकेला नहीं रह सकता, इसलिए तो उसको परिवार चाहिए, इसलिए तो उसको बाकी सब व्यवस्थाएं चाहिए, संबंध चाहिए, ये सब बातें जो है। तो ये बात है, अभी मोटे तौर पे इन जनरल दो प्रकार की विचारधाराएं समाज व्यवस्था के बारे में है और विचारधारा के उपरांत विचारधारा के आधार पर अपनी अपनी जीवन पद्धतियां हर एक समाज व्यवस्था में उत्पन्न हुई है और आज भी वो सर्वदूर हमको देखने को भी मिलती है, अनुभव में भी मिलती है और जीने वाले लोग भी ऐसे समाज व्यवस्था के मिलते हैं। मोटे तौर पे पश्चिमात्य विचारधारा और पौर्वात्य विचारधारा, ईस्टर्न थॉट्स, ईस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स, ये दो बड़े तौर पे ये सामान्यतः दो विचारधाराएं, दो प्रकार की समाज व्यवस्थाएं विश्व में आज अस्तित्व में है। पूर्व में हम अपनी बात करें, भारत की बात करें, तो भारतीय संस्कृति और अपनी परंपरा जो है वो चिर पुरातन है, इसलिए हम सनातन धर्म कहते हैं, सनातन जीवन व्यवस्था कहते हैं, सनातन सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। सनातन माने जो नित्य नूतन है, परंपरा से चली आती है, कभी बंद नहीं हुए, वो परंपरा टूटी नहीं है और उसी प्रकार वो सनातन व्यवस्था चली आ रही है, वो सनातन धर्म के नाम से कोड ऑफ कंडक्ट्स जो है, कोड ऑफ कंडक्ट्स के हिसाब से सनातन धर्म जो है वो अपने यहाँ प्रचलित आदिकाल से है। कितने सालों से है उसकी चर्चा कई विद्वान लोग करते हैं, लेकिन आज की तारीख में किसी ने तय नहीं किया कि कितने सालों से, कितनी पुरानी, कितनी ये सनातन व्यवस्था अस्तित्व में है, उसका कोई आधार, सब आधार मिलते हैं लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता। ऐसी अपनी जो समाज सनातन व्यवस्था है, वो सनातन व्यवस्था में हमने जो केंद्र में व्यक्ति है, व्यक्ति का महत्व भी है, लेकिन यहाँ की जो अपनी व्यवस्था और अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है वो परस्परावलंबी है। परस्परावलंबी माने एक दूसरे पे सर्वाधिक आधार रखते हुए, एक दूसरे के डिपेंडेबिलिटी एक दूसरे की है,
एक दूसरे के सहारे से हम लोग है, हमारा अस्तित्व अपना एक दूसरे का संबंध है, वो संबंध होने के कारण है हम स्वतंत्र है, निश्चित रूप से स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता भी हमारी दूसरे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, परस्परावलंबन, अवलंबन हमारा सबके पर है। चराचर सृष्टि में जो चर है, जो फिर सकता है, चल सकता है, गतिमान है, और जो नहीं गतिमान है, स्थिर है प्रकृति में भी, तो उसके साथ भी अपना संबंध है। वो है तो हम है, हम है तो वो है, ये परस्परावलंबी है। तो ये जो सनातन धर्म की अपनी समाज व्यवस्था, अपनी समाज व्यवस्था में भी यही बात आती है। और अपनी जो समाज व्यवस्था है उसमें हमने संबंध को, और व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और समष्टि, ये दोनों का संबंध जो है उसको वर्तुलाकार देखा है। केंद्र में व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार में जाता है, परिवार से अपनी ज्ञाति में, कास्ट में जाता है, वहाँ से छोटे गांव में जाता है, शहर में जाता है, बाकी जो है पूरे समाज में वो व्याप्त होता है, पूरा राष्ट्र में वो अखंड मंडलाकार जो स्थिति है वो चलती है। और वो जो लाइन जो है वो कहीं टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती है, ये विशेष बात है। और ये जो है वर्तुलाकार भी कहते हैं, अखंड मंडलाकार भी कहते हैं। तो ये बेसिक बात जो है परस्परावलंबी भाव, जिसको अंगांगी भाव भी कहते हैं, अपना शरीर है, समाज व्यवस्था माने एक शरीर है, तो शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई पीड़ा होती है तो शरीर, पूरा शरीर जो है वो पीड़ा अनुभव करता है, पूरा शरीर, चाहे छोटी सी भी पीड़ा हो लेकिन पूरा शरीर जो है वो अस्वस्थ रहता है। तो अंगांगी भाव जो है वो अपनी विचारधारा का एक विशेष महत्व, अपनी यूनिकनेस जिसको बोलते हैं सनातन धर्म की, अपनी सामाजिक व्यवस्था की यूनिकनेस जो है वो इस अंगांगी भाव में या परस्परावलंबी भाव में है। अपना प्रकृति के साथ भी संबंध जो है, प्रकृति के आधार पर हम जीते हैं, प्रकृति हमको जो देती है हमारी आवश्यकताओं, जरूरियातों के हिसाब से जो कुछ भी हमको चाहिए वो प्रकृति देती है, लेकिन हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये प्रकृति नहीं है। ये बेसिक बात सालों पहले सनातन धर्म के, सनातन समाज व्यवस्था में जीवन मूल्यों के आधार पर इसका स्वीकार हुआ है। यदि किसी भी पेड़ की एक डाली यदि टूटती है या मैं तोड़ता हूँ तो मैं अपने में से कुछ कम कर रहा हूँ, ऐसे हालांकि मेरे अंग में से कुछ कटता नहीं है लेकिन मेरा और वृक्ष का जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। वृक्ष से मैं संबंधित हूँ, मेरे से वृक्ष संबंधित है, तो उसको यदि मैं कुछ नुकसान पहुंचाता हूँ तो लंबा यदि सोचे तो उसमें मेरा ही नुकसान हो गया है, ऐसा मान के चलना चाहिए। इसलिए प्रकृति को हमने पूजा के स्थान पे रखा। यदि कोई चिकित्सक, पुराने आयुर्वेद के चिकित्सक, पुराने जमाने में 50-60 साल पहले यदि कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता है, वैद्य जिसको बोलते हैं, उसके पास यदि आप जाए, आपका रोग का निदान करता है, औषधि बनाने के लिए वो मुहूर्त देखता है, मुहूर्त के मुताबिक वो वनस्पति के पास जाता है। वनस्पति के पास जाने के, पर्टिकुलर वनस्पति के पास जाने के बाद वो उसकी पूजा करता है, पूजा करके वो प्रार्थना करता है कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आपके कुछ अंगों की, कुछ भागों की, कुछ पन्नों की, कुछ जड़ों की मुझे आवश्यकता है, आप अनुमति दे। ये पूजा अर्चना करके, ये पत्ता भी तोड़ना है तो ये विधि रहती थी, ये विधि के अनुसार ये काम होता था। मुझे बीमारी है, मुझे उसमें से बाहर निकलना है, मुझे वनस्पति का उपयोग करना है, तो उसमें भी जो भाव जो है मेरा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो भाव है, उपभोग का भाव नहीं है, मेरा समर्पण का भाव है, प्रार्थना का भाव है।
तो ये भाव से यदि मैं उनको प्रकृति को देखता हूँ, पानी भी ले लीजिए, प्रकृति में जो कुछ भी पंच महाभूत जो है उसके प्रति हमारा देखने का दृष्टिकोण, ये पूजा का, प्रार्थना का, उपासना का भाव, ये यहाँ हमारे यहाँ सनातन व्यवस्था में रहा। और इसी हिसाब से अपनी जो समाज व्यवस्था जो बनी, तो वो समाज व्यवस्था में अपने रोज बरोज के जीवन में, डेली रूटीन लाइफ में भी यदि आप देखेंगे तो प्रकृति के साथ अपना जो संबंध है, हमारे जो उत्सव वगैरह जो है, उत्सव जो है वो भी प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, प्रकृति से ही जुड़े हुए, और प्रकृति के हम अधीन है ये मान के हम चलने वाले लोग हैं, ये मान के हम जीने वाले लोग हैं, जीने वाले लोग हैं। तो ये व्यवस्था जो है वो, ये मैंने कहा कि अंगांगी भाव वाला जो बात है, और व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो आत्मीयता का संबंध है, स्नेह का संबंध है। परिवार के साथ मेरा जो संबंध है वो समर्पण भाव वाला संबंध है। परिवार को यदि आवश्यकता पड़ेगी, परिवार के किसी व्यक्ति को यदि आवश्यकता पड़ेगी, मेरा संबंधी है, मेरा रिलेटिव है, मेरा भाई है, बहन है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, कुछ भी है, माँ है, बाप है, फूफा है, मौसी है, कुछ भी है, दादा है, दादी है, ये सबके साथ मेरा स्नेहपूर्ण लहू का संबंध, ब्लड रिलेशन जो है वो मेरा उनके साथ है। लेकिन यदि परिवार को या परिवार के किसी व्यक्ति को मेरे समर्पण की आवश्यकता पड़ी, तो परिवार के लिए मेरे निज के सुख को परे रखते हुए, बाजू पे रखते हुए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ समर्पित करूँगा, कुछ त्याग करूँगा, कुछ कष्ट सहन करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा परिवार है। अपनत्व का भाव समाज व्यवस्था में, अपने यहाँ अपनत्व का जो भाव है वो अंतिम सांस तक चलता है, अंतिम सांस तक चलता है। बाप बेटे का संबंध भी अंतिम सांस तक रहता है, दादा दादी का संबंध भी पौत्र के साथ अंतिम सांस तक रहता है। ये परिवार व्यवस्था का एक अभिन्न अंग, संबंध जो अपने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये रहता है। यदि ये भाव व्यक्ति में है कि मैं, यदि मेरा परिवार कष्ट में है, उसको आवश्यकता है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ समर्पण करने के लिए, कुछ भी त्याग करने के लिए, ये मेरे मेरे कर्तव्य में आता है। इट इज़ माय ड्यूटी, ड्यूटी, इट इज़ माय ड्यूटी, बिकॉज आई एम, बिकॉज माय फैमिली इज़, मेरा परिवार है इसलिए मैं हूँ, मेरा अस्तित्व मेरा मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। तो परिवार के साथ ये जो भाव मेरा होता है, तो पूरे परिवार का भाव अपने समाज के लिए गठित होता है। मैंने कहा ना, अखंड मंडलाकार, ये रेखा, ये गति टूटती नहीं है, अखंड चलती है। तो परिवार को भी समाज के लिए, जैसा व्यक्ति का भाव रहता है उसी प्रकार का समाज में जो कुछ भी आवश्यकता समाज के लिए रहती है, क्योंकि समाज है तो परिवार है, समाज के आधार पर ही परिवार है, और परिवार की आवश्यकताएं जो है वो समाज से ही पूर्त होती है, पूरी होती है। समाज में रहते हुए परिवार अपने को अलग नहीं कर सकता, अलग नहीं जी सकता, क्योंकि मेरी जो बेसिक आवश्यकता है उसको पूरी करेंगे। मुझे अनाज चाहिए, मैं खेती नहीं करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, तो मुझे अनाज चाहिए, खाने के लिए तो चाहिए ही, तो मुझे किसान की आवश्यकता पड़ेगी, किसान से मैं जुड़ा हूँ, किसान से मेरा संबंध है, चाहे मैं व्यापार करता हूँ, चाहे मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन किसान से मेरी आवश्यकता पूर्तता होती है। तो ये जो अपने संबंध है, और यदि मेरे संबंध में आए हुए मेरी आवश्यकता की पूर्ति जो लोग करते हैं, उन लोगों की यदि कोई आवश्यकता पड़ी, तो जैसे व्यक्ति का समर्पण भाव, बलिदान का भाव, त्याग का भाव रहता है, वैसे ही परिवार का, पूरा परिवार का भाव समाज के प्रति रहता है। ये अपने यहाँ मोटे तौर पे यदि देखा जाए तो अपनी वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं, समाज व्यवस्था का वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट जो अपने यहाँ परंपरा से चलता आ रहा है, जीवन मूल्य भी अपने हैं, अपना इतिहास भी है, अपनी जीवन पद्धति भी है। अपनी जीवन पद्धति में कुछ जीवन मूल्यों को हमने स्वीकार किया है, जैसे मैंने प्रकृति के प्रति आदर का भाव,
ये कहा, अतिथि आते हैं तो अतिथि देव के समान रहता है, तो अतिथि का मैं मुझे स्वागत करना है, स्वयं ईश्वर मेरे घर पे आए हैं उस भाव से करना है, मैं उनके आवभगत उसी हिसाब से उसी भाव से करता हूँ। यदि परिवार के द्वार पर कोई अपनी आवश्यकता के लिए पात्र लेके खड़ा है और उसकी आवश्यकता है, उसको लोट चाहिए, उसको उसको कुछ अनाज चाहिए, ये कुछ चाहिए तो ये देने की मेरी आवश्यकता है, मेरा कर्तव्य है। अपने यहाँ एक परंपरा ये भी रही है कि किचन में रसोई में जो रोटी बनती है उसमें से पहली रोटी दूसरी रोटी वो मनुष्य के लिए नहीं है, परिवार के सदस्यों के लिए नहीं बनती है, कुत्तों के लिए बनती है, गाय के लिए बनती है, कोई यदि आ गया तो उसके लिए बनती है। उसके माधुकरी तो अभी पुरानी बात हो गई है, लेकिन छोटा गांव रहता है तो छोटा गांव में माधुकरी के लिए निकल पड़ते हैं, तो झोली लेके निकल पड़ते हैं हर एक द्वार पे जाके, अपनी जो आवश्यकता है उतना अनाज वगैरह लेके वो आके पकाते थे। ये अपनी जीवन मूल्य जीवन पद्धति का एक भाग है। तो ये मोटे तौर पे अपनी व्यवस्था हुई। दूसरी पाश्चात्य व्यवस्था में व्यक्ति केंद्र में है और व्यक्ति स्वतंत्र है। वहाँ बेसिक मान्यता ये है कि हम समाज से जुड़े नहीं हुए, हम प्रकृति का उपभोग करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, प्रकृति से हम अलग है, प्रकृति के संसाधन है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अबाध रूप से हम कर सकते हैं, अबाध रूप से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति केंद्र में है। व्यक्ति और परिवार का संबंध भी कुछ सालों तक का ही है। वहाँ की समाज व्यवस्था जो है उसमें इकाई सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति किसी से जुड़ा नहीं है। व्यक्ति का परिवार से जुड़ा होना भी कुछ समय तक मर्यादित है। यदि लड़का या लड़की पुख्त हो जाता है तो वो अपना काम अपना जीवन स्वयं चुन लेता है, स्वयं अपना मार्ग ढूंढ लेता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसके माता पिता की नहीं है, वो अपना अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीता है। तो वो किसी भी हालत में मेरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए, मेरी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की समाज व्यवस्था बनी हुई है। और उसमें प्रकृति के पर आदर नहीं है, उसमें परस्परावलंबी भाव नहीं है, ईच वन इज इंडिविजुअल वन, और जिसको मन में जिसके मन में जो भी आएगा वैसे जिएगा। समाज व्यवस्था का जो बंधन रहता है, समाज व्यवस्था का बंधन वहाँ है, लेकिन बहुत बारीक तौर पर है। बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, सोशल बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, फैमिली बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं, उसका जो उनका संबंध जो है, उसका बॉन्डिंग जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। ईजिली वन कैन कम आउट ऑफ दैट, ईजिली बिल्कुल उसमें बाहर आ जाता है उस बॉन्डिंग में से, तो बुरा भी नहीं लगता किसी को। अपने यहाँ तो यदि संबंध विच्छेद हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि अरे भैया क्या हो गया, इससे संबंध कट हो गया अपना, फिर से जमाओ, फिर से कुछ करो। हम पहल करते हैं, हम सामने से जाते हैं संबंध बनाए रखने के लिए। वहाँ ये विचारधारा ही नहीं, व्यक्ति केंद्र में है। और उसी हिसाब से वहाँ की जो समाज व्यवस्था बनी वो व्यक्ति के उपभोग के हिसाब से बनी, इसलिए वहाँ से एक शब्द कॉइन हुआ, कंज्यूमरिज्म, उपभोगवाद। और उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आई तो उसमें उत्पादन काफ़ी हुआ। पश्चिम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तो उसके बाद वस्तुओं का कारखानों में इंडस्ट्री में बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन हुआ, और मांग और सप्लाई, मांग और पुरवठा जो है वो दोनों के बीच की दूरी जो है वो बिगड़ गई, और वो जो दूरी बिगड़ी वो दूरी को संभालने का काम एडवर्टाइजमेंट ने किया, मार्केटिंग ने किया। माने मुझे मेरी प्रोडक्ट बेचनी है तो मुझे अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अंदर से मैं चाहे कुछ भी हूँ लेकिन बाहर से ठीक ठाक दिखना चाहिए। जैसा
कॉमोडिटी के साथ हुआ, कोई वस्तु के साथ हुआ, ऐसा ही काल क्रम में समय के जाते हुए काफी साल लगे, लेकिन उसकी एक जो मानसिकता बनती है, तो सामान्य मानवी जो पाश्चिमात्य समाज में रहता है उसमें एक मान्यता ये बनी कि जैसे एक वस्तु का उपभोग किया जा सकता है, एक वस्तु को बेचा जा सकता है, इसी तरह आदमी को भी उपभोग किया जा सकता है। मींस आदमी जो है, इंसान जो है, मानव जो है, वो एक कॉमोडिटी बन के रह गया, वस्तु बन गया। अभी वस्तु जो है उसमें फीलिंग्स नहीं है, संबंध रखने की क्षमता नहीं है, सुख दुख का कोई भाव नहीं रहता है, कॉमोडिटी है। पैसा दो, वस्तु खरीदो और उपभोग करो, बाद में पूरा। ये आदमी का भी वैसा, आदमी के साथ भी ये व्यवहार, तो उस हिसाब से। और आदमी बस वस्तु नहीं बन सकता, वस्तु बनने के लिए निर्जीव होना पड़ेगा। आदमी तो सजीव है, उनके पास एक हृदय है, दबकता हुआ हृदय, सोचने के लिए उसके पास बुद्धि है, मन है, अनुभव है, सुख दुख के भाव वो अनुभव कर सकता है, प्रेम की जो अपनी जो अभिव्यक्ति है वो कर सकता है, दुख प्रकट कर सकता है। ये सब बातें जो है वो जीवंत व्यक्ति के लक्षण है। वस्तु के साथ वो संबंध वो शक्य नहीं होता है, वो संभव भी नहीं होता है। तो ये पूरी जो व्यवस्था काल क्रम में आकर एक समय बिंदु पर वहाँ आ गई, तो वहाँ से आदमी बिल्कुल नितांत अकेला हो गया, नितांत अकेला। तो ये नितांत अकेलेपन के बाद वहां सोचने लगे कि कहां गलती हुई, क्या हुआ अपने साथ, हम क्यों ऐसे अकेले पड़ गए हैं, क्यों हमारे साथ कोई है नहीं, हमारी समाज व्यवस्था जो है वो क्यों ऐसी हो गई, उसका विश्लेषण और ये सब बातें शुरू हुई। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद और कॉलोनाइजेशन के बाद, अंग्रेजों ने जिस प्रकार से काफ़ी सालों तक डच, यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी वो जो है थे देश, उन्होंने में अपना अपना राज्य किया, तो हिंदुस्तान में भी आए थे वो लोग, अपने यहाँ भी 100-150 साल तक उन्होंने राज्य किया और अपनी व्यवस्था, अपनी शिक्षा पद्धति, अपनी सोच, उसको बदलने का काम शिक्षा के माध्यम से और ये सब माध्यम से उन्होंने किया। तो ये सब बातें जो हुई उसमें कॉलोनाइजेशन, और हम लोग जिस समय जितने समय तक गुलाम रहे, गुलाम काफ़ी समय तक रहे, गुलामी का हमारा संघर्ष जो है कम से कम 2000 साल का पुराना इतिहास है, हमारा संघर्ष का इतिहास है। परदेशी लोग अपने यहाँ राज्य करने के लिए, सत्ता स्थापन के लिए यहाँ आए और यहाँ आके उन्होंने राज्य भी किया, जैसे मुगलों ने राज्य किया, शक आए, हूण आए, बाकी सब लोग आए, लुटेरे भी आए, लूट के चले गए, और एक बार नहीं 17-17 बार आके लूट के चले गए। तो ये सब बातें हमने झेली है, हमने संघर्ष किया है। तो ये सब काल में अपने यहाँ एक पद्धति थी समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो सनातन जो व्यवस्था, पहले हम जो बात की ना कि सनातन जो अखंड चलती आ रही सनातन व्यवस्था आज भी है, और आज भी हमारी पहचान सनातनी के नाते हम कर सकते हैं और होती भी है, हम सनातनी है, हम सनातनी हिंदू है, ये बात हम गर्व से कहते हैं। उसका मूल कारण जो था वो ये था कि हमारे यहाँ श्रुति और स्मृतियों का निर्माण हरेक एक अंतराल, एक कुछ सालों के बाद नई स्मृति का निर्माण होता था, नई स्मृति का निर्माण होता था। श्रुति माने कान से सुनी हुई जो है वो, स्मृति माने अपनी स्मृति में रखते हुए उसमें नीति नियम बनते थे, और ख़ास तौर पे कुंभ का मेला जो रहता था 12 वर्ष के बाद, और 12 वर्ष में काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो अपनी श्रुति और स्मृति के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो समाज व्यवस्था थी, तो 12 सालों में जो कुछ भी, 12-15 सालों में जो कुछ भी अपने यहाँ कुछ छोड़ने की आवश्यकता थी, जो अभी काल बाह्य हो गया, रीति रिवाज है, परंपरा है, ये जो जीवन मूल्य भी है, ये काल बाह्य हो गए, काल बाह्य बातें जो है उसको
किनारे करना, छोड़ना, और नई कौन सी बात हमको लेनी है, लेकिन अपनी मूलभूत विचारधारा को केंद्र में रखते हुए, सनातनी विचारधारा को केंद्र में रखते हुए, अपने जो बेसिक जीवन मूल्य है, जिसको हम जीवन आधारित, जीवन के आधार रूप जो अपने मूल्य है उसको संजोए हुए, उसको रखते हुए, उससे बाहर नहीं जाना है, तो उसकी बाउंड्री में रहते हुए नए जो कुछ 12-15 सालों में जो चेंजेस हुए उसको एक्सेप्ट करना, उसको वहाँ फाइनल करना। पूरे देश से आए हुए पूरे विद्वान संत, बाकी जन जो है, गुरुजन जो है, वो इकट्ठे होके वो एक श्रुति और स्मृति बनाते थे, उस काल की एक श्रुति स्मृति, तो उसको युगानुकूल व्यवस्था बोलते थे। उस युग की, उस समय की, उस परिस्थिति की, उस समय की जो आदर्श व्यवस्था हो सकती है, अपने को लंबे समय से टिके रहना है, तो ये व्यवस्था में कुछ फेरफार, कुछ व्यवस्था, कुछ परिवर्तन, इसको छोड़ा, इसको लिया, इसको लिया उसका कारण है, इसको छोड़ा उसका कारण है। छोड़ने में भी दिक्कत नहीं है, लेने में भी दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट चेंज जो है ना, और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चैलेंज जो है ना वो चेंज है। वो कुछ बातें छोड़ नहीं सकता, कुछ नई बातें स्वीकार नहीं कर सकता, ये छोड़ना और स्वीकार करने में ही उसकी जिंदगी चली जाती है, न छोड़ सकता है न ले सकता है, और वहीं का वहीं बंधा रहता है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा जो चली आई वो श्रुति और स्मृति के आधार पर चली आई। पिछले मैंने कहा अपने संघर्ष का जो काल रहा, बाह्य आक्रमण वगैरह जो हुए और हम पराधीन भी रहे, तो ये पराधीन अवस्था में करीब करीब 1200-1500 साल लगे, जिसमें हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति का निर्माण बंद हो गया, ये परंपरा ही बंद हो गई। तो उसके कारण क्या हुआ, समाज में जड़ता आई, रूढ़ी आई, परंपराएं कुछ ऐसी आई कि जिसको छोड़ना, क्योंकि 1500 साल माने कितनी पीढ़ी, 100 साल माने चार गिन लीजिए, 100 साल माने कमोवेश 25 साल की एक पीढ़ी, 25-30 साल की एक पीढ़ी गिन लीजिए आप, तो 1500 सालों में जितनी पीढ़ी गई उसमें न तो कोई छोड़ने वाली बात हुई, न कुछ लेने वाली, नई लेने वाली बात हुई, हम वहां के वहां स्टक हो गए, बिल्कुल अवरुद्ध हो गए, अवरुद्ध समाज व्यवस्था पूरी अवरुद्ध, और संघर्ष में ही पूरा समय गया था। तो ये अवरुद्धावस्था जो है उसने हमारे अंदर कुछ इतनी बड़ी त्रुटियां डाल दी, हमारा जो मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है, हमारा माइंडसेट जो है, वो नए को स्वीकार करना और पुराने को छोड़ने वाली जो जितना सहज रूप से हम करते थे वो करने का हमको प्रयास करना पड़े, ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई। अभी अंग्रेज जो आए वो नई सोच लेके आए, नए विचार लेके आए, उन्होंने भी अपनी शिक्षा पद्धति वगैरह, उनको लंबे समय से राज्य करना था इसलिए ये यहाँ आए, तो ये व्यवस्था का प्रभाव अपनी समाज व्यवस्था पर भी पड़ा। और शिक्षा दीक्षा में एक बात ये हुई अपनी समाज व्यवस्था में कि हम अपने से नफरत करने लगे, अंग्रेज यही चाहते थे, अपना इतिहास जो है, अपनी परंपरा जो है, अपनी संस्कृति जो है, उसके पर अपना स्वाभिमान जो होना चाहिए वो स्वाभिमान को खत्म करने का काम, व्यक्ति का स्वाभिमान खत्म हुआ, परिवार का स्वाभिमान खत्म हुआ, परिवार का स्वाभिमान खत्म हुआ, समाज का स्वाभिमान खत्म हुआ, समाज का स्वाभिमान खत्म हुआ माने वो जिंदा है लेकिन उसमें कोई हलन चलन नहीं है, प्रगति नहीं है, उसकी गति नहीं है, और गति है तो भी नेगेटिव है, उल्टी दिशा में प्रगति जा रही है, अवनति जिसको बोलते हैं वो होने का शुरू हो गया। तो ये सब बातें को झेलते हुए अपनी समाज व्यवस्था जो एकदम श्रेष्ठ, आज भी अभी तो बहुत कम हो गए, लेकिन आज भी एक रसोई में एक परिवार के 60-70 लोग, 60-70 लोग एक ही परिवार के साथ में रह के दो टाइम
सुबह और शाम दोनों टाइम एक ही रसोई में खाना खाने वाले परिवार आज भी है, लेकिन उसकी गिनती बहुत कम है। माने वो अपवाद स्वरूप रहे, वो अपनी परंपरा थी, परिवार जो संयुक्त परिवार जिसको बोलते हैं, आज न्यूक्लियर परिवार हो गया है। न्यूक्लियर परिवार में अपनी समस्या है, पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं, क्योंकि गुजारा यदि चलाना है तो दोनों को सर्विस किए बगैर चलेगा ही नहीं। तो बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका रखरखाव जो है वो बड़ी समस्या हो जाता है। न्यूक्लियर फैमिली है, दादा नहीं है, दादी नहीं है, कोई नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, कुछ नहीं है, परिवार में दो ही है और एक बड़े मल्टी बड़े शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। बच्चा कैसे बड़ा हो जाता है, उसका जो उछेर है, उसका अपब्रिंगिंग जो है वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। इट इज़ नॉट इन ए शेड्यूल्ड वे, ट्रेंड वे, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि समस्या ये है। तो आज ये समस्या समाज व्यवस्था को टिकाने के लिए बहुत बड़ी खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी खड़ी हो गई। कैसे करे, कैसे करे? तो युगानुकूल व्यवस्था जो है वो अभी बिठाने का काम, अपनी समाज व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंज आज की तारीख में यदि कोई है तो ये न्यूक्लियर फैमिली में हम जिस प्रकार से अपनी जीवन पद्धति आई है उसमें कैसे अपनी समाज व्यवस्था को हम ठीक ढंग से बिठाए रखें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। उसमें 20वीं सदी के जाते जाते और 21वीं सदी के आते आते और 2020 आते आते तो पूरी दुनिया ही भैया बदल गई है, पूरी दुनिया बदल गई है। हमारे यहाँ अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव। इसने पहले कभी नहीं देखी हुई एक गति दी है, चेंज, परिवर्तन की गति। एक परिवर्तन 100 साल में आता था, एक परिवर्तन 100 साल में आता था। तो मैं यदि बच्चे के नाते जन्म लेता हूँ, यदि बूढ़ा हो जाता हूँ तो बहुत बड़े परिवर्तन मुझे देखने को नहीं मिलते, एक या दो, और वो भी चलता रहता है, वो मैं पास ऑन करके चला जाता हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ, हर 6 महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने में चेंज आके खड़ा हो जाता है। वो अपनी लाइफस्टाइल पे प्रभावित करता है। ये लाइफस्टाइल को प्रभावित करने के कारण हम कन्फ्यूज्ड है कि इतना स्पेस जो है, इतनी स्पीड जो है वो चेंज की, परिवर्तन की, उसके साथ मेल कैसे बिठाए। सबके लिए समस्या है, सबके लिए समस्या है। तो आज के युग में इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, और उसमें भी कई तरह के एप्लीकेशंस है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बाकी भी कई है। आदमी मोटे तौर पे, मैंने कहा था वस्तु बनाने का काम, आज करीब करीब आदमी वस्तु बन गया है। और ये नेट वगैरह एल्गोरिदम वाला एक भी कॉन्सेप्ट है, वो भी काम करता है, टेक्नोलॉजी है पूरी, वो पूरी की पूरी हमको गाइड करती है किस तरह हमको सोचना चाहिए। हम अपनी तरह से सोच भी नहीं पाते हैं, इतनी अक्षम्य अवस्था में हमको छोड़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। और ये सब बात हम लेते हैं, जैसे अपने देश में कई युवा बेरोजगार है लेकिन उनके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल है तो नेट चालू है, तो वो अपने 24 घंटे में से 8-9 घंटा सोशल मीडिया में व्यस्त रहता है। उसको एक वर्चुअल रियलिटी आभास हो जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हालांकि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना है, क्योंकि नेट का जो देना है, पे करना है, वो तो उसकी उसको ही जेब से जाएगा। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर, लेकिन 8 घंटा क्या किया, मैं बिजी था। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, अपनी अपने मोबाइल के साथ व्यस्त है,
बाजू में माता पिता बैठे हैं तो भी उससे बात करना। अभी तो समस्या ये हो गई है कि आदमी को या बच्चों को बचपन से ये आदत हो जाने के कारण आदमी को आदमी से बात कैसे करनी वो स्किल धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। बात नहीं, मैं फेसबुक पे बात कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे प्रत्यक्ष रूप से आपसे बात करनी है मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि बोलने की आदत, बोलने की, अपने आप को प्रदर्शित करने की आदत, अपने आप को व्यक्त करने की आदत छूटती जा रही है। तो ये नई जो व्यवस्था आई है, नई जो समस्या आई है, नई जो परिस्थिति आई है, पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में चल रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे टिके, आदमी मशीन तो नहीं बन जाएगा ना, मशीन हावी तो नहीं हो जाएगा ना आदमी पर। आदमी पर यदि मशीन हावी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हावी हो जाएगी, तो आदमी सोच ही नहीं सकेगा। बटन दबाओ आदमी चलेगा, बटन दबाओ आदमी बैठेगा, बटन दबाओ आदमी बोलेगा, बटन दबाओ आदमी लिखेगा। अपने आप से कुछ करना है, अपने आप से कुछ करना है। वो कुंठा उनके अंदर आज घर कर गई है, बाय बर्थ आ गई है। आज के ही पेपर में मैंने कहीं पढ़ा कि बच्चों के लिए मेधस्विता जो है वो बहुत बड़ा प्रश्न है। अमेरिका में ये प्रश्न है, यूरोपियन कंट्रीज में इसलिए है क्योंकि बच्चे बिल्कुल समझदार होने के पहले ही ये नेट से संबंधित हो गए, और वो जो नेट देखता है उसमें एडवर्टाइजमेंट का भरपूर उपयोग होता है, और उसमें जो फास्ट फूड की एडवर्टाइजमेंट आती है इतनी आकर्षक आती है, वो फास्ट फूड के सिवा कुछ खाता ही नहीं और फास्ट फूड में फंस जाता है, और वो मेधस्विता का परिणाम है। ये तो मैंने एक समस्या कही, आज के पेपर में मैंने पढ़ा, याद आ गया इसलिए कही दी। तो इसमें से बाहर आना है, अपनी समाज व्यवस्था को, अपना समाज संगठित हो इसलिए उसको बनाए रखने के लिए नए सिरे से सोचना पड़ेगा। अपनी प्रस्तुतता, अपनी आइडेंटिटी, उसको बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चीज यदि आज और आने वाले समय में चाहिए होगी मनुष्य को, वो समय देने का शुरू करना पड़ेगा। मुझे अपने परिवार के साथ समय देना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, संबंध उस दृष्टि से बनाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। वो संबंध मैं मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से नहीं कर सकता, मुझे प्रत्यक्ष रूप से अपनी जिंदगी में से कुछ क्षण उनको देने पड़ेंगे। ये समय मांगेगा, समय यदि नहीं है तो भूल जाओ, आप बर्बादी के कगार पे नहीं, बर्बाद हो गए ऐसा मान के ही चलो। यदि आप मानते हैं कि मैं धन दे दूंगा, मैं सगवड़ता दे दूंगा, उनकी पूर्ति, हर एक वस्तु की पूर्ति कर दूंगा, बेटे बेटी को ये चाहिए तो वो दूंगा, एडमिशन चाहिए तो कॉलेज में एडमिशन दिलवा दूंगा, पैसे के जोर से सब कर दूंगा, ये सब होने वाला नहीं है। आपको समय देने की तैयारी रखनी पड़ेगी, और मोटे तौर पर व्यक्ति परिवार के लिए समय देगा, परिवार समाज के लिए समय देगा, तो ही अपनी समाज व्यवस्था टिकेगी। विवेकानंद केंद्र में भी हम जीवन व्रति के नाते जो कुछ भी निकलते हैं, और बाकी भी लोग अपने अपने जिंदगी में से कुछ समय निकाल के समाज के लिए देते हैं, ये समय देने की बात है। सेवा वगैरह तो बाकी दूर की बात है, वो बिल्कुल मेरी समझ में से तो परे है। सबसे बेसिक बात जो है वो समय में दे रहा हूँ, अपनी जिंदगी दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ माने अपनी जिंदगी दे रहा हूँ। आठ दिन दिए तो आठ दिन मेरी जिंदगी के मैंने इस काम के लिए, इस आदमी के लिए, इस समाज के लिए, इस सेवा के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए दिया। समय देने की तैयारी जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में समाज व्यवस्था मजबूती से टिकेगी, ये पहली बात। दूसरी बात, जो रिलेशनशिप है ना, उसमें मैंने कहा ना कि गिव एंड टेक वाली, एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का, कंज्यूमरिज्म का, बिजनेस का, ये सब कॉन्सेप्ट हमारे माइंडसेट में आ गए हैं। तो बिना अपेक्षा रखे हुए मैं संबंध रख सकता हूं। यदि मित्र जो है
फ्रेंड जो है, फ्रेंड की भी व्याख्या जो है वो भी आजकल बदली हुई है, क्योंकि ब्रेकअप जल्दी हो जाता है, ब्रेकअप जल्दी हो जाता क्योंकि आप अपनी निपटी नहीं है उनके साथ, अपनी जमी नहीं, इसलिए ब्रेकअप हो गया, छोड़ो उसको, नया बनाएंगे। तो ऐसा नया बनाते 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 वो एक्यूमुलेट होता जाता रहे, एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, अपने मन में होता है, मानसिक रूप से होता है। तो ये जो अपेक्षा रहित संबंध, निर्नैमित्तिक संबंध जिसको बोलते हैं, मिलना जुलना भी, किसी भी अकारण मिलना, क्यों आए हो, गप्पे मारने आया हूं भैया, आज तुम्हारे घर आया हूं, गप्पे मारने आया हूं, चाय पीऊंगा, हाँ तो हमको भी संकोच हो रहा है। ये कोरोना वोरोना छोड़ो यार, कोरोना है इसलिए हम दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब आ गया है, लेकिन पूरी समाज व्यवस्था में जीवन मूल्य जो है ये है, निर्नैमित्तिक संबंध, निर्नैमित्तिक मिलना, ये सब बातें जो है वो अपनी रहेगी। टाइम मैनेजमेंट, मैंने कहा दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इससे दूर रहना है, जितना कम उससे साथ पाला पड़े, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। यदि हैबिचुएट हो गए तो गए काम से, गए काम से। और आज कई लोग हैं, कई युवा है जो इसमें ही है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसके क्लिनिक भी खुल गए हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसके साथ कितना समय देना है, नौकरी को कितना समय देना है, परिवार को प्रत्यक्ष कितना समय देना है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देना है। तो ये सब बातें जो है वो समाज व्यवस्था को टिकाने में बिल्कुल हमको उपयोगी होगी। और नए युगानुकूल जो है, नई नई बातों को हमको हरदम सीखना पड़ेगा। सीखने की प्रक्रिया यदि हमने बंद की तो हमारी जो हमारे से आई हुई पीढ़ी है उसके साथ हम तालमेल नहीं बिठा पाएंगे। उसके साथ तालमेल बिठाना है, हम कहते हैं ना कि भाई मेरा मोबाइल चलाना मुझे नहीं आता है, पोती को देता हूँ, पोते को देता हूँ, पुत्र को देता हूँ, वो ठीक कर देता है। नहीं, आपको भी आना चाहिए या आपको भी सीखना पड़ेगा। उनके पर ये बात में डिपेंडेंट मत रहो, डिपेंडेंट मत रहो, आप भी सीखो, लेकिन आप एक रोल मॉडल प्रस्तुत करो कि इसका उपयोग विवेकपूर्ण रीति से कैसे करना, उसका रोल मॉडल आपको घर में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो समाज व्यवस्था और समाज को संगठित रखने के लिए कुछ मूलभूत बातें हैं। आज आज हम जिस समय में से प्रसार हो रहे उसमें चैलेंजेस बहुत है, बहुत है। उस चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए, उसमें से मार्ग निकालते हुए, युगानुकूल व्यवस्था अपने नित्य नूतन सनातन जीवन मूल्यों को वही रखते हुए, उसको ही आगे बढ़ाते हुए, हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास श्रुति स्मृति अवेलेबल नहीं है। ट्रायल और एरर मेथड से हमको आगे जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा कुछ सोचना है, मानना है। जो कुछ भी था वो आपके सामने रखा है। धन्यवाद।
नमस्कार नमस्कार। खूब सुंदर वक्तव्य। अभी श्रोतागण में से कुछ प्रश्न है जी, प्रश्न सत्र शुरू करेंगे जी। दीपिका जोशी, उनका प्रश्न है, हिंदू अपनी संस्कृति पे गौरव करे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षा में से तो कम मिलेगा आपको, जो पढ़ते हैं उसमें से अपने लिए जो कुछ भी अपनी पहचान वाला कुछ है वो शिक्षा में से आप अभ्यास करते हैं उसमें से कम मिलेगा। और उसके लिए आपको शिक्षा के उपरांत के प्रयास करने पड़ेंगे, कुछ पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अपने जो है रामायण महाभारत उपनिषद यदि जो पढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो रस वाली बात हो गई ना, इंटरेस्ट होगा तो होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो अपनी परंपरा, हिंदू हम किस नाते कहलाते हैं, बाइबल का संबंध क्रिश्चियन से है, कुरान का संबंध मुस्लिम से है, हिंदू का संबंध गीता से है, लेकिन गीता उपरांत भी बाकी कुछ सभी कुछ है, बहुत कुछ है अपने यहाँ। बिल्कुल स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो उसको बेसिक जो बातें हैं उसको पढ़ना, समझना और पास ऑन करना। समझना काफी नहीं होगा, आपको अपने मित्रों में, अपने परिवार में, अपने अगल बगल में रहते हुए जहां भी मौका मिले तो, बिना मौके मत बोलना हिंदू हिंदू ऐसा, जहां मौका मिलता है वहां अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपने जीवन मूल्य उसको प्रस्थापित करते रहना। तो इसके लिए आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, अपडेशन जरूरी है, क्योंकि हिंदू के सामने भी अंग्रेजों ने ही चैलेंज नहीं खड़ी की थी। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज दुनिया ही है अपने लिए। यदि आपको ये समझना है, जानना है, तो राजीव मल्होत्रा करके एक है, अमेरिका में रहते हैं, उसको यूट्यूब पे आप यदि सर्च करेंगे राजीव मल्होत्रा, तो हिंदू के नाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ प्रदेश में क्या हुआ, क्या क्या प्लान बने, कौन सी स्ट्रेटेजी बनी, कौन से तत्व हमारे सामने ताल ठोक के खड़े हैं और अभी भी वो हमारे लिए चैलेंज बने हुए हैं, इसकी जानकारी हमको चाहिए। और ये सब मिलाते हुए शेयर करना, शेयर माने तो आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे करते हैं वो मैं नहीं कहता, मैंने अंत में जो कहा था प्रत्यक्ष रूप से आपको समय देके फिजिकली 1-to-1 सामने आमने सामने बैठ के ये आंख में आंख डाल के बात करनी है, उसको स्पर्श कर सकते हैं ऐसी स्थिति में यदि आप है तो उसका परिणाम है। बाकी फोन पे आप समझाएंगे वो एक कम्युनिकेशन का अलग ही प्रभाव रहता है। प्रत्यक्ष रूप से समय देके और अपने बारे में अपनी सही जानकारी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने सालों में क्या हुआ है कि अपने बारे में अपनी काफी पहचान खड़ी कर दी है, आप ये भी हो, आप ये भी हो, आप ये भी हो, आप ये भी हो, फिर भी आप कहते हैं आप हिंदू हो, फिर भी आप कहते हो आप सनातनी हो, ये हमारे मन में भी प्रश्न खड़ा कर देता है कि भाई भैया हम है क्या आखिर, हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा, क्या है क्या नहीं। तो इसमें से बाहर आने के लिए काफी कुछ आज हमको मिलता है, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है, काफी मिलता है। आप YouTube पे सर्च करिए राजीव मल्होत्रा, तक मैंने एक नाम दिया आपको। यदि आपको इंडियन इथोस वाली बात समझनी है तो एसके चक्रवर्ती करके हैं, या आप YouTube पे सर्च करिए एसके चक्रवर्ती, कलकत्ता IIM के जो इंडियन इथोस वाला जो पूरा कोर्स चलता था काफी सालों तक वो रहे। बेसिक मूल्य जो है अपने, तो फॉरेन में रहने वाले अच्छे अच्छे विद्वान उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनके आर्टिकल्स है, ये सब बातें जानना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने आज आप सब लोग विमर्श के बंधु भगिनी जो है उनके साथ अपनी बात, जो मेरे पास जो जानकारी थी सीमित थी, मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, मैं बहुत समझता भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी थी मैंने शेयर की। आज कोरोना है इसलिए ये डिस्टेंस में जाना पड़ता है, वरना हम आमने सामने बैठ के विमर्श मैंने एक बड़ौदा में भी किया, प्रत्यक्ष रूप से किया था, प्रत्यक्ष वाली बात जो है, और जितनी बने इतनी उसको शेयर करिए सही जानकारी, और ये देते रहिए समय से देते रहना पड़ेगा। चैटिंग में मत पड़िए,
इसको लेके इसको विषय बना के आप चलिए, होगा। बोलिए। बहुत ही सुंदर प्रश्न का जवाब राजेंद्र सिंह जी इस द्वारा। दूसरा प्रश्न है निराग भाई का जी। बॉलीवुड टीवी सीरियल सब समाज का बड़े तौर पे विघटन करने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए समाज में जागरूकता कैसे लाए जाए? देखो भैया, अभी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उससे हमारा छुटकारा नहीं है, ये मान के चले। इसके साथ ही हमको जीना है, और मेरे जैसे 60-65 साल के व्यक्ति के लिए तो ये संधि काल है। पहले 20 साल पहले ये नेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी हम जिंदा थे और फिर भी हम लाइव थे। आज लाइव का मतलब दूसरा हो गया है, आज मैं यहाँ लाइव हूँ लेकिन आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, आप मेरा अनुभव नहीं कर सकते, मैं हूँ। संभव है कि भाई मैं नहीं भी हूँ। ये लाइवलीनेस का पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो गया। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका प्रभाव है, और उससे छुटकारा नहीं है, उससे बचना है। बचना कैसे है, उतना ही है, क्योंकि ये जो टीवी वगैरह जो चलता है उसकी एक स्ट्रेटेजी है, उसका एक अलग विषय है। विमर्श के लिए यदि आप कभी कहेंगे तो ये अलग से विषय, टीवी वाला, फेक न्यूज़ वाला, न्यूज़ वाला, सच्ची न्यूज़, ये सब सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी लिख सकता है। गुजराती में जेने कही है ना, चोरो छे आ गामडानो गामनो चोरो छे, चोरामां गमी आवीन बेहीन गमी बोलीन वहेतो पड़े भाई, अन पछी खंखेरीन निकली जाए, खंखेरीन धूळे चोरामां चोरानी धूळ चोरामां खंखेरीन निकली जाए, एने काई पड़ी नो, एने काई दीधुं। सोशल मीडिया एटले आ छे, એમાં જો ઈ વિશિષ્ટ સર્કલમાં તમે ફસાણા, આપ યદી ઇસમેં ફસ ગયે તો ઉસમેં વિવેક ઉપયોગ કરના હૈ, કિતના વોટ્સએપ કા ઉપયોગ કરના હૈ, કિતના ઇસકે પર હમકો ભરોસા કરના હૈ। આજ ક્યા હૈ, ગૂગલ ગુરુ હો ગયા હૈ, ગૂગલ ગૂગલ ગુરુ કો પૂછો, એલેક્સા કો પૂછો, પિતાજી કો નહીં પૂછેંગે, एलेक्सा को पूछो, मम्मी को नहीं पूछेंगे, एलेक्सा को पूछो, बहन को नहीं पूछेंगे, एलेक्सा को पूछो, दोस्त को नहीं पूछेंगे। क्यों? दोस्त पे भरोसा नहीं है, साला कोई भी जवाब दे देगा ना, दोस्त है आखिर गाली भी देगा, इतनी पता नहीं है, एलेक्सा गाली तो नहीं देगी ना, तो मैं सेफ हूं। एलेक्सा के साथ, मशीन के साथ, डिवाइस के साथ, एप्लीकेशन के साथ मैं सेफ हूँ, कंफर्टेबल हूँ, आदमी सबके साथ नहीं हूँ। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है, उससे छुटकारा नहीं है। मोबाइल के बिना अभी अगली हमारी सबकी जिंदगी जाने वाली है। यदि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन सी ये टीवी वगैरह क्या है, समाचार क्या है, सोशल मीडिया क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एल्गोरिथम क्या है, डेटा क्या है, ये सब जानना है तो हरारी को पढ़ लो। युवाल नोवा हरारी इसराइल का है, हिब्रू यूनिवर्सिटी में वहाँ एक यूनिवर्सिटी में इसराइल में है, और मानव जात के इतिहास के बारे में उन्होंने तीन पुस्तकें लिखी है, तीन पुस्तकें अंग्रेजी में है, एक सेपियंस है, दूसरी होमो है, और तीसरी है 21 थिंग्स टू बी डन इन 21 लेसन्स टू लर्न इन 21st सेंचुरी। अब पढ़ लो, पूरा आज से 10 साल के बाद का अपना चित्र, पूरी दुनिया के समाज का, मनुष्य का चित्र उन्होंने ये तीन बुक में दिया है, लास्ट बुक में ज्यादा करके दिया है, चित्र दिया है। लेकिन वही होगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक बुक है, यदि आप विशाल भादानी करके हैं, हमारे यहाँ लोक भारती सोनोसरा जो है भावनगर के नजदीक लोक विद्यापीठ है, वहां के है ये, उन्होंने एक पुस्तिका निकाली है एंधाण करके है, गुजराती में है। ये तीनों बुक जो है उसका उसका उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट दिया है। एंधाण, एंधाण मीन्स सिम्टम्स जो दिखते हैं हमको आने वाले समय का, आने वाले मानवी का। मैंने अपने वक्तव्य में जो कहा था ना कि आदमी को वस्तु बना दिया है, किसने बनाया? आदमी ने बनाया नहीं, इसने बनाया सब, इसने हमको वस्तु बना दिया, इसने हमको कमोडिटी बना दिया है। टाइम पास करते हैं ना हम,
आप देखो बिन बेकार आदमी है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, यंग एकदम युवा लड़का है, अनएम्प्लॉयड है, 24 घंटे में से 10 घंटे वो इस पे रहता है, मींस वो वर्चुअल रियलिटी में है, आभासी दुनिया में जी रहा है, मैं बिजी हूं, है कि नहीं? लेकिन 8 घंटा 10 घंटा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, और डेटा का जो पैसा भरना है चार्जिंग वो सर पे रहेगा आपको, और आपको लगता है मैंने 8 घंटे बहुत किया, कुछ नहीं किया भैया, चौरे पे बैठे थे आप, गप्पे आंक रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो, किसको अपनी अपनी कमेंट, अपने को पता ही नहीं है कमेंट दे रहे हो, तो ये सब बात है, उसमें विवेक काम करेगा। और मैंने अंत में जो कहा था कि इसका उपयोग कितना देखना, कितना नहीं देखना, कितना सुनना, वैसे मैं राजनीति में 22-25 साल रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में मैं पेपर न्यूज़पेपर के पीछे 24 घंटे में से 15 मिनट देता हूं, हेडलाइंस पढ़ लेता हूं, पता चल जाता है किसने ये छपवाया है, क्यों छपवाया है। न्यूज में भी यदि आप अपनी अपनी जो सिक्स सेंस है वो जागरूक रखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये चैनल पे ये न्यूज क्यों आ रही है और इस तरह से क्यों आ रही है, उसका उसको भी आप, आपको न्यूज नहीं देखना है, आपको समझना पड़ेगा उसका कारण, ये एबिलिटी जरूरी हो गई है। तो ये सब बातें आपको विवेक ही देगा, और परिवार में आपको रोल मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप कितना समय इसमें देते हो, तो ये तो है यार। अभी अभी जो है ना, ये स्थिति और बिगड़ने वाली है, मैं आपको बता दूं भैया, टीवी के न्यूज की स्थिति और बिगड़ने वाली है, सीरियल की कक्षा और बिगड़ने वाली है, देखना नहीं देखना अपने पर है ना, स्विच चालू क्यों करे भाई। और मैं वो नहीं कहता कि आप रामायण ही देखो, महाभारत ही देखो, कुछ भी देखो, लेकिन अपना ये जो है ना उसको संभाल के रखो, देखते वक्त अपने आप को अपनी पकड़ में रखो, बस इतना कर सकते हैं ना, तो ये कुछ नहीं कर सकता, अपना भेजा अपने पास रहना चाहिए भैया। आगे जी भाई, पालीताना में जो शिविर था उसके वक्तव्य में, कंक्लूजन में आपने यही कहा था सोशल मीडिया में कि एक पूर्ण उपयोग। बिल्कुल। आगे आगे प्रश्न है उर्जित सिंह जी का, राष्ट्र की मुख्य धारा में रहे लोगों द्वारा मूल्य रहित करनी और मूल्य आधारित कथन करने से समाज में उत्पन्न होती वैचारिक उलझन से समाज में पैदा हुए दिशाहीनता कैसे बचे, दिशाहीनता से कैसे बचे? क्वेश्चन रिपीट करता हूं, राष्ट्र की मुख्य धारा में रहे लोगों द्वारा मूल्य रहित करनी और मूल्य आधारित कथन करने से समाज में उत्पन्न होती वैचारिक उलझन से समाज में पैदा हुए दिशाहीनता से कैसे बचे? एक बात समझ के चलो, मैंने जीवन मूल्यों में जो बात कही थी ना, उसमें भी स्तर है, बेसिक जीवन मूल्यों के आधार पर जीने वाला, चलने वाला, व्यवहार करने वाला जितनी मात्रा में बढ़ेगा समाज में, उतनी मात्रा में समाज स्वस्थ रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो है वो उससे भी ऊपर उठते हैं और उससे भी हायर, हम पहली पढ़ते हैं तो पहली कक्षा में ही नहीं रहते हैं 12 साल, एक साल बाद दूसरी कक्षा में आता है, फिर तीसरी में, बाद में 12वीं में आता है, बाद में कॉलेज में आते हैं, बाद में छोड़ भी देते हैं। तो ये मूल्यों का भी है, जीवन मूल्य जो है हमारे वो क्रमिक है और सब में हमको समाज को साथ में लेके चलना है और उसके लिए हमारी तैयारी चाहिए। और सब सब जीवन मूल्य जी के नहीं बताएंगे, सभी सेवाव्रती नहीं बनेंगे, बनेंगे क्या? जीवन मूल्य है, सेवा का जीवन मूल्य मैंने स्वीकारा है, सनातन मूल्य है, सनातन हमारा जीवन पद्धति का है, सभी लोग निकलेंगे क्या? जन सामान्य नहीं निकलेगा, तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में जो पहुंचा है वो सोचेगा कि भी निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, 12वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते तय करेगा कि निकलना तो है लेकिन कब निकलना है वो तैयार नहीं है, कॉलेज में जाएगा, बाद में वो जीवन मूल्यों पे अपने आप को ठीक करेगा, यस दिस इज माई डिरेक्शन, इसमें मैं जाऊंगा।
इसकी संख्या बहुत कम होगी, ये मास में कभी नहीं रहेंगे ये लोग, क्योंकि समाज को दिशा निर्देश करने वाले ये लोग हैं और संख्या में वो कम रहेंगे। विवेकानंद एक हुए, दूसरे हुए कोई, हम विवेकानंद केंद्र भी चलाते हैं, रामकृष्ण मिशन भी चलता है, दूसरे विवेकानंद हुए क्या? नहीं हुए। उसका समर्पण, उसका जीवन मूल्य का दर्शन और कमिटमेंट उस स्तर पे था। हम लोगों को ये जो जीवन मूल्यों के जीने वाले लोग हैं ना, उसकी संख्या जो है समाज को दिशा निर्देश, दे आर द लीडर्स, लीडर्स दे विल लीड द सोसाइटी। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उसको जो बेसिक वैल्यूज चला दे, प्रामाणिक है, सच बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, विशेष करके माँ बाप का ध्यान रखते हैं, अपने जीवन मूल्य है वो सबको लेके चलते हैं, उसमें वो समर जीवन देने का ये सब, भैया ये बात छोड़ो, आप प्रभु का भजन करना है तो हम करें, लेकिन वो साधु बनने की बात मत करो, कहेंगे लोग। लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे कि क्या आदमी हो यार, समाज के लिए इतना नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है, स्वीकार करो ना, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेजोरिटी में कभी नहीं होंगे, ऑलवेज ऑलवेज ऑल द टाइम दे विल बी इन अ क्लास नॉट इन अ मास, बिकॉज दिस क्लास विल लीड द सोसाइटी इन जनरल, वो दिखाएंगे, रोल मॉडल होंगे। तो आपने जो जीवन मूल्यों के प्रश्न का ह्रास और ये सब, ये तो चलता ही रहता है, कुछ जीवन मूल्य नए बनते हैं, कुछ नहीं बनते है। आज की स्थिति में भी यही है, आज कई जीवन मूल्य हमारे बदल गए, हमको पता भी नहीं है, हमको पता भी नहीं है हमारे जीवन मूल्य बदल गए हैं, फिर भी हम सनातनी है कि नहीं, फिर भी हम हिंदू है कि नहीं, उसको फिर से प्रस्थापित करने का प्रयास, और जो रोल मॉडल्स है उसके मुताबिक जीने की अपनी मानसिकता बना के तैयारी करनी। ह्रास वाला बाबत जो है उसको आप रोक नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी को आप रोक नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी ऑलवेज विल रिमेन विथ यू टिल योर लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस लेंगे ना तब तक नेगेटिविटी आपके साथ ही रहेगी और आपके साथ ही भस्मभूत होगी, जीने वाली है ये, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज है भैया, एनर्जीज है, रहेगी, उसमें से मार्ग निकालना है तो ये करना पड़ेगा। जी भाई, प्रश्न का ये सत्र यहीं समाप्त करते हुए जी, खूब खूब धन्यवाद आपका भाई। भारत समर्थ तभी बनेगा जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र संगठित होगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने समय का नियोजन करेगा, निश्चित एवं गुणवत्ता युक्त समय परिवार एवं राष्ट्र के लिए अर्पण करे एवं यह अमूल्य समय अपेक्षा रहित हो। निश्चित ही जब हम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के इस मार्गदर्शन पर आगे चलेंगे तो स्वयं के जीवन के साथ इस समाज को भी समर्थ बनाएंगे। वक्ता श्री का खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने अपने अमूल्य के समय से हम सभी के लिए समय निकाला एवं जीवन उपयोगी इस अमृत को हमें प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। प्रथम, आप भी हम सभी के साथ जुड़कर विमर्श टीम का अंग बने ऐसी आप सभी से अपेक्षा एवं अनुरोध। आप सभी karnavati@vkendra.org मेल आईडी अथवा फोन नंबर 079-268-71677, आई रिपीट 079-268-71677 पर जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। समर्थ भारत भाग 3 की रजिस्ट्रेशन लिंक 24 घंटे हेतु शुरू करेंगे, आप नए लोगों को जोड़ सकते हैं। आपका सुझाव एवं आपका सहकार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, अतः आपकी मेल आईडी पर भेजी हुई लिंक से स्वयं का फीडबैक अवश्य भरें, जिसके द्वारा हम कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ा सके। अगला कार्यक्रम समर्थ भारत भाग 3 विज्ञान एवं आध्यात्म
पर माननीय निवेदिता दीदी जो कि विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा एवं पद्मश्री सम्मानित है, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगी। अतः 7 नवंबर सायं 8:30 से 5 मिनट पूर्व आप सभी भेजी हुई लिंक पर अवश्य जुड़े। आज के सफल कार्यक्रम की पूर्णाहुति शांति मंत्र से करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Boop boop boop.